देश के किसान समय के साथ साथ खेती में भी बदलाव करने लगे हैं। जहाँ एक ओर वो पारंपरिक खेती करते थे तो उनकी आय में खास इजाफा नहीं होता था, वहीं दूसरी ओर किसान पारंपरिक खेती छोड़कर सब्जियों की खेती करके मालामाल हो रहे हैं। राजस्थान के डूंगरपुर के इंद्रखेत गांव के रहने वाले राजू पटेल ऐसे ही किसान हैं जो कि एक साल में 3 फसल पैदा कर दुगना मुनाफा कमा रहे हैं। राजू पटेल सब्जियों की खेती करते हैं। सब्जियों की खेती करने के लिए वो आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। राजू साल भर में 3 प्रकार की खेती करते हैं। अभी बरसात का मौसम चल रहा है, ऐसे राजू अपने खेतों में पत्ता गोभी, खीरा, बैंगन, लौकी, भिंडी, मूली की सब्जियों की खेती करते हैं। एक समय जहां राजू को खेती का घाटे का सौदा लगता था, आज वही राजू खेती को लाभदायक व्यवसाय बताते हैं। राजू पटेल 7 बीघा में खेती कर सालाना 7 से 8 लाख रुपए की सब्जी बेचते हैं। उनका मुनाफा भी अच्छा खासा निकल जाता है। इसके अलावा राजू गेहूं, मक्का जैसी भी खेती करते हैं। राजू बताते हैं कि जब उन्होंने पारंपरिक खेती छोड़ सब्जियों की खेती करने का फैसला लिया तो उन्होंने 1 बीघा पर सब्जियों की खेती की। बाद में कृषि विज्ञान केंद्र यूट्यूब की सहायता से खेती करने की विधि को समझा और धीरे धीरे कर सब्जियों की खेती में इजाफा किया। आज राजू 7 बीघा में सब्जियों की खेती कर रहे हैं और अपने परिवार का पालन पोषण भी कर रहे हैं। ये हमारे भैया गुजरात से एक दो भाई आए थे, इन्होंने आइडिया दिया था, तो हम 7-8 साल से ये कर रहे हैं काम। तो टमाटर लगाया है, लौकी, तोरई, गोभी, फुलावर, मिर्ची और तरबूज, इनकी खेती हम करते हैं। तो इस मैं और मेरी घरवाली और छोटे भाई की मिसेज, वो 3 जने हम जो होता वो करते हैं। तो इसमें आपकी सालाना आय कितनी हो जाती होगी? 7-8 लाख के करीब होती है, यानी खर्चा वर्चा सब इसमें ही मिला के। तो और अभी तो 7-8 बीघे में है, वैसे 9-10 बीघे में करते हैं, पर अभी गेहूं वेहूं लगाए थे तो अभी इतना ही है। जब सब्जी में फायदा अच्छा है, गेहूं में तो वो पूरे गेहूं में मिला के भी इतना पैसा नहीं आता है। 1-2 खेत टमाटर में लगा दो उतना मिल जाता है हमको, और मेहनत भी कम, आराम से बिना टेंशन का काम है। गेहूं में तो कोई फायदा नहीं है, मौसम की मार से इस साल तो बारिश, पूरे गेहूं ही खत्म हो गए।